पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि वो महासचिव बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें कार्यभार से मुक्त किया गया है। पार्टी ने उन्हें किसी भी राज्य की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। इसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया लिखते हुए अविनाश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, मैं प्रियंका गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता हूँ। प्रभारी महासचिव के रूप में मैं अपने पद में निहित अधिकारों और मुझे दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। बता दें कि अविनाश पांडे कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। वो यूपी का प्रभारी महासचिव बनाए जाने से पहले झारखंड में पार्टी के प्रभारी थे, साथ ही कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले अविनाश पांडे पेशे से वकील हैं। साथ ही पार्टी की स्टूडेंट विंग, NSUI और यूथ कांग्रेस में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्हें 2010 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था। अविनाश पांडे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और राज्य में कई प्रशासनिक समितियों के सदस्य के रूप में जुड़े रह चुके हैं। 2018 के राजस्थान चुनाव से पहले उन्हें राज्य का प्रभारी भी नियुक्त किया गया था। प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। प्रियंका गांधी अब बिना किसी पोर्टफोलियो के ही फिलहाल महासचिव बनी रहेंगी। यूपी में प्रभारी रहते पार्टी की करारी हार के बाद उन्होंने प्रभारी पद छोड़ा था। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रियंका की जरूरत राष्ट्रीय स्तर पर है। ये कहना गलत है कि उन्हें प्रभारी पद से हटाया गया है। उन्होंने आज से लगभग 7-8 महीने पहले इच्छा जाहिर की थी पार्टी के अनुरोध पर कि वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगी, और इसीलिए उन्हें किसी राज्य में नहीं ले जाया गया है। अब उनकी सेवाओं का भरपूर उपयोग हमने देखा तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, तो अब उनका राष्ट्रव्यापी उनकी सेवाएं ली जाएंगी और कांग्रेस को मजबूत करेंगी, और इसीलिए उनको किसी राज्य में अकेले कन्फाइन नहीं किया गया। अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद अब यूपी में बड़े बदलावों के संकेत मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि महासचिवों के बाद अब सचिवों की भी नई टीम आएगी, उसी टीम से उन्हें सचिव दिए जाएंगे। मौजूदा समय में जो सचिव हैं और बतौर सह प्रभारी प्रियंका के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से कई के नाम उस टीम में नहीं होंगे। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के संगठन में भी फेरबदल किया जा सकता है, यानी 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से कांग्रेस कुछ ना कुछ मंथन तो जरूर कर रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।